नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद कानपुर देहात मुख्य विकास अधिकारी महोदय सौम्या पांडे से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता द्वारा अपनी जन समस्या बताई गई, जिसमें मुख्य रूप से आवास हेतु अपात्र लाभार्थियों का चयन किए जाने एवं पात्र लाभार्थियों का अभी तक आवास विहीन होने, ग्राम पंचायतों में सफाई की व्यवस्था करवाए जाने, ग्राम पंचायत पुलंदर में हैंडपंप रिबोर ततारपुर गांव में राशन कोटे की समस्या का समाधान करवाए जाने के साथ साथ शौचालय निर्माण करवाए जाने संबंधी शिकायतें मुख्य रूप से रहीं। इन शिकायतों के ससमय निस्तारण हेतु आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके क्रम में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संबंधित शिकायत के ससमय निस्तारण करवाए जाने का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए। सर, आज कहाँ कहाँ आपने अपना प्रोटेस्ट, कहाँ कहाँ विरोध दर्ज कराया, क्या मांगे थी, किस तरीके के क्या मुद्दे थे आपके? देखिए, आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा पहला प्रदर्शन माती मुख्यालय पर था और ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार, प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं बढ़ती हुई महंगाई, गैस डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के प्रदर्शन था। आज हमने इन सभी मुद्दों को लेकर के कानपुर देहात के जितने भी आला प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक से लेकर के CDO से लेकर के DM तक, उनके पास हम लोगों ने सामूहिक ज्ञापन दिया है और इस ज्ञापन का उद्देश्य ये है कि प्रशासन जिस तरीके से कार्य कर रहा है उससे जनता में रोष है। जनता के बीच में जो आवास पहुंचने चाहिए वे पात्रों के आवास नहीं मिल रहे हैं, अपात्र आवास पा रहे हैं। जहाँ हैंडपाइप नहीं लगा है वहाँ रिबोर हो करके आप पैसा उठा रहे हैं। कोटा आवंटन अगर हो रहा है तो लोकतांत्रिक तरीके से कहीं कोटा आवंटित हो चुका है तो SDM उस पर रोक लगा कर ये कहती हैं कि नहीं, अब इस पर आपको कोटा नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? अगर जनता आवाज़ दे रही है तो जनता की आवाज़ को क्या ऐसे दबाया जाएगा क्या? भ्रष्टाचार के तमाम ऐसे नमूने हैं। मूसा नगर का एक केस सामने आया, वो भी प्रशासनिक हीलावाली की देन है, जानते हुए भी कि वहाँ पर आज ज्ञापन दिया, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर एक डेढ़ हफ्ते के बाद निस्तारण नहीं होता है तो उससे चौगुनी तादाद पर आएंगे। आज तो पांडे जी से 4 साल चल रहा था, अब क्या वजह आई चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी यूपी में चुनाव सक्रिय हो गई है? देखिए, हम 4 साल पहले तो थे नहीं, हमारी पार्टी तो अभी आई है और आम आदमी पार्टी जब से आई है पिछले 5-6 महीनों से, तब से जनता की ही बात उठाती चली आ रही है। अब चूंकि मुझे जिलाध्यक्ष बना दिया गया है तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जनता की आवाज़ जिले स्तर पर मजबूत करूँ। ठीक, नहीं मानते कि आप जो है चुनाव आ गया इसलिए सक्रिय हो गई आम आदमी पार्टी? नॉट एट ऑल। दिल्ली में तो 10 साल से थी ना? हाँ, दिल्ली में है, हम अच्छी सुविधा दे रहे हैं। प्रदेश में? प्रदेश में अब आए हैं और सुविधाएँ देना चाहते हैं जनता को। ठीक, ठीक।